नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा कौशिक और हमारे साथ हैं बिहार के सांसद नित्यानंद राय जो कि भाजपा अध्यक्ष भी हैं बिहार के। सर, हम लोगों ने एक पूरा एनालिसिस किया है कि भाजपा का स्ट्रक्चर कैसा है कास्ट वाइज, तो हमने उनका स्ट्रक्चर देखा है। उसमें ज्यादातर आया है कि जैसे नेशनल ऑफिस बियरर्स हैं उसमें 82% जितने भी आपके लोग हैं वो अपर कास्ट हैं, बाकी सब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। तो भाजपा जहां एक और ओबीसी और दलितों की तरफ हाथ बढ़ाती दिख रही है, उनके लिए स्कीम्स निकाली जा रही है गवर्नमेंट में, प्रधानमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए और हमें दलितों को समान सम्मान के साथ इस समाज में रखना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये झलक क्यों नहीं हमें भाजपा के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है? देखिए, स्ट्रक्चर में भी दिखाई पड़ रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कामों में भी दिखाई पड़ रहा है। जिस बात की आपने चर्चा की, 70% चीजें जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए, सबके, आप जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आप उठाकर देखिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रमुख कौन है, हमारी सरकार बनी है तो सरकार के मुखिया कौन है प्रधानमंत्री के रूप में। आप ऐसे कोई राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह से और जिस भाव से आपने हमसे प्रश्न किया है उसी भाव में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप महामहिम राष्ट्रपति जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने राजनीति प्रारंभ की और एक दलित परिवार से होते हुए भी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रपति पद हेतु उनका चयन किया और आज इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में है। आप इसलिए हमारे यहां काम का महत्व है। ऑफिस बेरर शुरू से प्रारंभ से काम करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं को उस स्थान पे जगह दिया जाता है और वह एक दायित्व है। तो कहीं से यह कहना कि सामाजिक संरचनाओं का, सामाजिक व्यवस्थाओं का पार्टी ख्याल नहीं रखती है, बीजेपी से ज्यादा कोई इसका ख्याल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सारी संरचना, सारी सरकारें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब के सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपना को साकार करने के संकल्प के साथ अभी काम कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था उस दिन सही मानी जाएगी कि यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी यदि 1 रुपया है तो अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो। जातीयता भारतीय जनता पार्टी की कभी सोच में नहीं रही, इसलिए हम जात की बात नहीं करते हैं और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में, संस्कार में, विरासत में कभी जातीयता चीज रही ही नहीं, जातीयता का कोई बंधन रहा ही नहीं। मैं आपको बड़े ही गर्व के साथ, चुनौती के साथ आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को और सामाजिक ताने बाने को आप गौर करें तो हमारे यहाँ गोत्र की व्यवस्था है। आज अगर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जो करना नहीं चाहिए लेकिन शायद आपके प्रश्न का उत्तर होगा, आप किस गोत्र की हैं? गोत्र तो मुझे पूछना पड़ेगा सर, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप अभी पता नहीं, हो सकता है गौर या कौशिक। तो गौर या कौशिक, मैं आपसे कोई जाति नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं गोत्र पूछ रहा हूँ। और आप गौर गोत्र से हैं या कौशिक गोत्र से? तो आप जिस समाज से होंगे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें अस्पष्टता आ जाए कि आप जिस जाति से होंगे तो इस गोत्र के यानी कौशिक और गौर गोत्र के अन्य जाति के लोग भी होंगे। हो सकता है कि अगर आप किसी अगली जाति से होंगे उसी गोत्र में अपने अनुसूचित जाति के लोगों का भी गोत्र हो सकता है, किसी ओबीसी का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी और गोत्र का मतलब पूरा हिंदुस्तानी समझता है कि गोत्र की व्यवस्था हमारी ऋषि मुनियों से चला है
और हम जब एक ही वंश ऋषि मुनि के हम वंशज हैं, इसलिए अपने यहाँ वैवाहिक संस्कार में वर्जित किया गया है कि अपने गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं कि उस गोत्र में शादी करने का मतलब होता है कि हम अपने वंश में शादी कर रहे हैं। इसलिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सोच में कहीं जातीय व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसी का महत्व कम है और किसी का ज्यादा है। हमारे यहाँ समदर्शी भाव से, समरूपता के साथ काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से कठिन तो है कुछ लोगों पर दायित्व देना, लेकिन कुछ लोगों पर दायित्व जाता ही है और उसमें ख्याल किसी जाति का, किसी वर्ग का नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है ये संरचना बदल जाए? नहीं, देखिए जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों का समावेश हो रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों से, उनके संकल्प से, उनके व्यवहार, उनके आचरण से और प्रधानमंत्री जी के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए और सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ, जिसमें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कोई छूट, और हमारे प्रधानमंत्री जी जब ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आजादी के बाद जो व्यवस्था अब तक रही है, सब वोट के खातिर जातिवाद, वर्ग और किसी अन्य नारा को दिया करते थे, आज विकास के नारों के साथ गरीब, वंचित, पिछड़ों से लेकर उनके उत्थान विकास के लिए काम करने वाली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सबके साथ सबके विकास, जिसको जिस चीज की जरूरत है उनके जरूरतों को पूरा करने का जो आज काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए सभी समाज के साथ साथ वंचित समाज भी, अनुसूचित जाति समाज भी, पिछड़े समाज भी, अति पिछड़े समाज भी, सब अपना कल्याण अपने प्रधानमंत्री जी में देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद जिसका इंतजार इस देश के गरीब कर रहे थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, आज उनको मसीहा फरिश्ता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी मिले हैं। आज गरीब भी बड़ी सीने को तान कर कहता है कि हमारा भी कोई गरीब का बेटा है जो भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।